मुंह खोलिए। वेल, अचानक से बहुत ज्यादा वेट लॉस करने की कोशिश की है और शरीर तैयार नहीं था, यू नो। वेल, क्या आपको पता है इन चीजों के बारे में, क्या कर रही थी वो? जी, मैंने बात की जब मैंने देखा कि सखी ओवर एक्सर्ट कर रही है। हाँ, और डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, वो एक्चुअली सिर्फ जूस पिए जा रही थी, कुछ खीरे और लौकी का जूस। खाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, जबरदस्ती खिलाना पड़ रहा था मुझे। लेकिन दीदी ने वो सारा खाना बाहर निकाल दिया था जबरदस्ती वॉमिट करके। क्या? हाँ, तो इसी कारण शरीर में कमजोरी आ गई थी। हाँ, वेल, अभी इसे आराम करने दीजिए, ओके? और आप लोग इसे बात जरूर कीजिए, प्लीज। या, जी, ये लीजिए दवाइयां दे देना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गेट वेल सून। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सॉरी डैडी, सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आप सबको परेशानी हुई। मेरा ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैं अच्छा दिखना चाहती थी मम्मा। सखी, तू टेंशन ले रही बेटा, कितनी अच्छी लगती है तू। नहीं दादी, जब कोई आपको आपके बेट को लेकर कुछ कहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। सही कह रही है सखी, वेट के बारे में कोई कुछ कहता है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप कॉन्शियस हो ही जाते हो। मैं भी कॉन्शियस हो गई थी जब डैडी ने मजाक मजाक में मुझसे कहा था कि प्रेगनेंसी के पहले जो ड्रेस उन्होंने गिफ्ट की है ना, उसमें मैं दोबारा कभी फिट नहीं आऊंगी। इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगी, खाना टाइम से ही खाऊंगी, हेल्दी ही खाऊंगी, वर्कआउट करूंगी, ओवर वर्कआउट करूंगी, वॉक तो करनी ही है। सखी, सबसे अहम बात यह है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बॉडी का शेप नहीं, मतलब आप में एनर्जी होनी चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट, यू नो। भले आपका फिगर कैसा भी हो, और अगर वेट लूज करना ही है तो सही तरीके से करो ना। हाँ, मतलब इतने सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, वर्कआउट एक्सपर्ट्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, इनकी हेल्प लो, ये लोग गाइड करेंगे सही तरीके से वेट लूज करने में। हाँ सखी बेटा, इंटरनेट की वीडियोस देख के कुछ लोगों को हेल्प मिल सकती है, लेकिन भगवान ने हम सबके शरीर अलग बनाए है ना। अब तेरे दादाजी को देख, भले उनका पेट कम नहीं हुआ है, लेकिन सेहत एकदम अच्छी है, क्योंकि उन्होंने लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया था। अरे, किसी ने सोचा था कभी? मैं क्या कहती हूँ, तू ना किसी अच्छे न्यूट्रिशन के डॉक्टर से मिल। हाँ, वो जो कहेगी ना तुझे खाने के लिए, सब चीजें मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, प्रॉमिस। सखी, इससे पहले तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, हमने तुमसे बात की, हमने तुम्हें बताया, मैं तो इस बार क्या हुआ? आगे से सब कुछ नहीं छुपाऊंगी डैडी, प्रॉमिस। I'm sorry, बंधु। किस लिए? अरे, इस ड्रेस को लेकर मैंने जो कमेंट किया ना, उससे तुम हर्ट होगी, है ना? हर्ट नहीं हुई राज, इनफैक्ट तुमने मुझे मोटिवेट किया एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। तुम्हारे उस कमेंट की वजह से ना, मैं हेल्दी खाना खाने लगी, टाइमली खाना खाने लगी, रोज एक्सरसाइज करने लगी, वॉक पे जाने लगी। हाँ,
तो ये तो अच्छी बात हुई ना. इनफैक्ट तुम भी अपने वर्कआउट शेड्यूल को लेके बहुत इरेगुलर हो, तो अब से तुम भी रोज मेरे साथ एक्सरसाइज करोगे, वॉक पे जाओगे. ओके राइट. लेकिन वक्त कहाँ है, काम खत्म ही नहीं होता. वक्त निकालना पड़ता है राज. एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी होते हैं. आप जब फिट होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो आप ज्यादा काम कर पाते हैं ना. हाँ थैंक यू. थैंक यू क्या? मुझे सोल्यूशन देने के लिए. सोल्यूशन? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.